हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि यूपीएससी से रिलेटेड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, उसके रिलेशन में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ था हमारा 2 जून को, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से जो अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था वो अपने परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो रिज़ल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और जो भी फ़ोन कॉल्स वहाँ किए जा रहे हैं, उन्होंने जो भी एक्सपेक्टेड जो डेट बताई है, अगर उनकी माने तो हम लोग मान सकते हैं कि परिणाम 10 जुलाई तक जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से कोई भी परिणाम को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, बट जो भी कुछ अंदरूनी खबरें मिली हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग 10 जुलाई को रिजल्ट निकलने की डेट एक्सपेक्टेड है। तो होप आप लोग अपने फिंगर क्रॉस कर लीजिए और जिसने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया है वो अपना रिजल्ट पॉजिटिव एक्सपेक्ट कीजिए, यहाँ पर 10 जुलाई तक आने की उम्मीद है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने प्रीलिम्स दिया है वो लोग मेंस की तैयारी में तो लगे ही होंगे, तो मेंस की तैयारी के लिए आप लोग कितने मार्क्स लाने होंगे। वैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ये पहले ही खोजबीन कर ली होगी कि हमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाए। फिर भी जिन लोगों को ये नहीं आइडिया है, उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको लेकर आने होंगे जिससे आप लोगों का मेंस क्लियर हो सकता है। उससे पहले आज मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि किस रैंक तक आपको आईएएस का पद मिल सकता है। ये पिछले 10 सालों के इतिहास को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग है। हाँ, ये रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है अकॉर्डिंग टू जितनी वैकेंसीज निकली हैं या मेंस का पेपर जितना हार्ड है उस हिसाब से ये पूरा पद हो सकता है। लेकिन फिर भी जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं वो अगर 120 रैंक तक आते हैं तो उन्हें आईएएस का पद मिलना तय होता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 350 रैंक तक के लिए आईएएस का पद मिलना तय होता है। इसी तरह एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 600 रैंक तक आईएएस का पद मिलना तय होता है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए वैकेंसी के लास्ट तक आईएएस का पद मिलना तय होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी की जो कट ऑफ आ सकती है वो एक्सपेक्टेड इतनी आ सकती है। मैं एक्सपेक्टेड की बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये आए, क्योंकि पेपर टफ था, करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन थे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर करंट अफेयर के लगभग 55 क्वेश्चन पूछे गए थे, इतिहास के 12 क्वेश्चन पूछे थे, ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन पूछे थे, इंडियन पॉलिटी के भी 7 क्वेश्चन पूछे थे, इकोनॉमिक्स से 9 क्वेश्चन पूछे थे, साइंस एंड टेक्स से 5 क्वेश्चन पूछे थे और एनवायरनमेंट से अराउंड 7 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर। तो हम अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो जिन लोगों के 110 से 120 के बीच में आ रहे हैं वो तो बिल्कुल सेफ जोन में होंगे, लेकिन जिनके 100 से 110 के बीच में आ रहे हैं, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, वो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, लेकिन वो लोग अपनी मेंस की तैयारी जारी रखें क्योंकि कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी उलटफेर किया जा सकता है। ऐसे ही ओबीसी के लिए 90 से 105 मार्क्स, एससी के लिए 85 से 95 मार्क्स और एसटी के लिए 80 से 90 मार्क्स और जो डिसेबल्ड है उनके लिए 40 से 70 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं आउट ऑफ 200 में से। तो आप लोग के अगर इनके अंदर आ रहे हैं और थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो चलिए, मैं जो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था वो था कि वैसे तो इस परीक्षा में नंबर लाना कोई फिक्स नहीं है या फिर परीक्षा की डिफ़िकल्टी और मेंस में जितने भी छात्र उपलब्ध हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है, परंतु हम जो 10 साल के ट्रेंड है वो प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि आपको इतने मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए 970 से 1050 अगर मार्क्स आपके आते हैं तो आप लोग मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होंगे। ओबीसी कैटेगरी 940 से 1000 अंक आने चाहिए, एससी एसटी कैटेगरी 870 से 950 अंक आने चाहिए और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 750 से 850 तक अंक आने चाहिए। अगर इतने अंक आप लोग के आते हैं तो आप लोग मेंस क्वालिफाई हो जाएंगे और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। इससे कम नंबर लाने वाले आईएएस नहीं बन सकते और जो वैकेंसीज हैं उसके अंदर वो तो मिल सकती हैं, लेकिन आईएएस बनने के लिए इतने मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आईएएस की मेनली यहाँ बात की और मैंने रैंक भी आप लोगों को बताया। हो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और
लाइक जरूर करिए हमारी वीडियोस को। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाली हैं और लगातार आती रहेंगी। इस हमारे चैनल को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।